राजधानी पटना में बीते रात एक बड़ी दुर्घटना घटी। आपको बता दें, राजधानी पटना के अंतर्गत माल सलामी थाना क्षेत्र के सिम लिटल इलाके में एक प्लाई फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग कितनी भयानक है। घटना रात लगभग 2 बजे की बताई जा रही है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद प्रशासन का कोई भी वरीय पदाधिकारी घटना स्थल पर नहीं आया। आग पर काबू पाने को लेकर आधा दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ी घटना स्थल पर मौजूद थी। वहीं आपको बता दें कि काफी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। अशोक कुमार प्रसाद, जिला समादेष्टा, जिला अग्निशमन पदाधिकारी प्रभारी के रूप में पटना को देख रहा हूं। वैशाली में मेरी पोस्टिंग है। लगभग 3 बजे मुझे जानकारी मिली कि सिटी पटना में प्लाईवुड फैक्ट्री में बहुत बड़ी आग लगी हुई है। मैं तत्काल वहां से प्रस्थान किया। हमारे दमकल कर्मी तब तक काम कर रहे थे। लगभग 10 दमकल कर्मी, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं 3:15 बजे तक यहाँ पर आ चुका था। और हमारे जितने भी रणनीतिक उपाय हो सकते हैं अग्निशमन सेवा के, वो तमाम रणनीतिक उपायों से हम लोगों ने इस पर लगभग काबू पा लिया। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, आपने भयावह लॉ को भी देखा है। हमारे जाबाज जो फायर कर्मी हैं, जो पदाधिकारी हैं, जिस कम्युनिकेशन से, जिस कोऑर्डिनेशन से, पानी के सप्लाई चेन से, यहाँ के रणनीति बनाने से जो काम किए हैं, वो आप देख ही रहे हैं। हम लोग बिहार के लिए काफ़ी एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन हम लोगों के ये जो जाबाज जवान हैं, उन्होंने इस पर काबू पाया है। और लगभग हम लोग काबू पा चुके हैं। और ऐसे रणनीतिक कामों के लिए हमारे और भी स्किल्ड ऑफिसर्स को हम लोग प्रोत्साहन के लिए और भी कुछ उपाय करेंगे। नहीं, मैं तो खुद वैशाली से गाड़ी मंगवा लिया, बाहर से भी हम लोगों ने कम्युनिकेट कर लिया। और पटना जिला में इतनी फायर के हाइड्रेंट थे, वेंडर थे, टेंडर थे, जो कि हम लोगों ने कम्युनिकेट करके काम कर लिया। अब उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर की भूमिका में यहाँ पर हूँ। लॉ एंड ऑर्डर का काम उनका है, वो बताएंगे। कितनी गाड़ियाँ पहुँची? लगभग 10 गाड़ियाँ हमारे काम कर रही है। आप तो खुद यहाँ पर साक्षी हैं।